हेलो, चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं बेहतरीन सम। ये सम आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये बाहर का सम है। तो चलिए इस सम को बहुत इजीली करते हैं। आप बोलोगे इजीली? हाँ, इजीली कर सकते हैं। भले ही ये नॉन टेक्स्टुअल सम आप कर सकते हो, बिकॉज इससे पहले आपने वीडियोस देखे हैं और उस वीडियो से आपको समझ गया कि कोई भी टू प्रूफ सम होगा तो उसको अप्रोच कैसे करते हैं, वो अप्रोच ही सीखना था। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना, तो आपको बहुत ही इजीली अप्रोच समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से सम कर सकते हो। और नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख लेना। ओके, तो चलिए इस सम को देखते हैं। इस सम में अभी फिगर दिया है और ये इंफॉर्मेशन है। चलिए इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं, क्या दिया है इंफॉर्मेशन में। उन्होंने कहा है, एज शोन इन द फिगर, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए, दो सर्कल्स हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट्स ए एंड बी। हमें पता है जब इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट पे करते हैं, अलग अलग पॉइंट पे ए और बी दिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया है, टू टैंजेंट्स टच दिस सर्कल्स इन पॉइंट्स पी क्यू एंड आर एस एज शोन। ओके, देखिए एक टैंजेंट ये है, ये दोनों सर्कल के लिए टैंजेंट है, एक को टच कर रहा है पी पे, दूसरे को टच कर रहा है क्यू पे। एंड वैसे ही और एक टैंजेंट है और वो एक सर्कल को टच कर रहा है आर पे और दूसरे को टच कर रहा है एस पे, ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है। वेरी गुड, आगे देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है, दैट लाइन ए बी इंटरसेक्ट सेगमेंट पी क्यू इन सी एंड सेगमेंट आर एस इन डी। देखिए लाइन ए बी दिख रहा है, यस ये लाइन है। ओके, ये लाइन है मतलब, और ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे। दैट मीन्स हमें पता है ये सर्कल के लिए क्या है, सीकेंट। इस सर्कल के लिए भी क्या है, सीकेंट। यस वेरी गुड, और ये क्या कर रहा है, ये लाइन पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट सी और ये लाइन आर एस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट डी। वेरी गुड, ये इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है। ओके, अब इसके बेसिस पे हमें ये प्रूफ करना है, हमें टू प्रूफ देखना है। क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है दैट सी एंड डी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट आर एस रेस्पेक्टिवली। मतलब हमें सी प्रूफ करना है मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू और डी मिड पॉइंट प्रूफ करना है आर एस का। ओके, मतलब दो अलग अलग है, तो पहले एक देख लेते हैं। हमें सी प्रूफ करना है मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट प्रूफ करना है सी। अब मुझे बताइए, अगर सी हमें मिड पॉइंट बताना है पी क्यू का तो हमें क्या बताना होगा? आप बोलोगे हाँ, अगर हम सी पी और सी क्यू इक्वल बता दें तो हो जाएगा। मतलब हमें समझ गया, हमें सबको सोचना कैसे है, किस दिशा में सोचना है, किस डायरेक्शन में सोचना है, ये इंपॉर्टेंट है। यही सोच की मैं हमेशा बात करता हूं। तो हमें समझ गया, हमें सी पी और सी क्यू इक्वल बता। अब दो लेंथ्स इक्वल बताने हैं तो सिर्फ एक को कंसीडर कीजिए पहले। तो सबसे पहले सीपी देखते हैं, तो पहले सीपी देखते हैं। सीपी, जैसे ही आप सीपी देखोगे मुझे बताइए सीपी क्या है। और याद रखना, दो सर्कल से बट एक ही सर्कल को देखना एक टाइम पे, ये भी अप्रोच याद रखना। दो सर्कल्स ये हैं बट हमेशा एक सर्कल को देखना, बिकॉज हम जो भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ये पूरे चैप्टर में, इट इज रिलेटेड टू वन सर्कल एट अ टाइम। टू सर्कल्स का तो हम टचिंग में पढ़े हैं बट यहाँ पे टचिंग सर्कल है। ओके, तो याद रखना एक सर्कल को देख। सो अब इस सर्कल को देखिए, अब मुझे बताइए इस सर्कल के लिए ये सीपी सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट पी। मतलब आप बोलोगे हाँ, ये सीपी क्या है, आप बोलोगे सीपी तो इस सर्कल के लिए टेंजेंट है एट पॉइंट पी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए वेरी नाइस। ओके, आप देखिए, और एक इंफॉर्मेशन इस सम में दिया था और दिया है, रादर गिवन में आपने देखा होगा, ए बी के बारे में दिया। ए बी, अब ए बी इस सर्कल को, ये लाइन ए बी इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे। मतलब अब बोलोगे ये तो सीकेंट है, और ये जो सीकेंट है ये सीकेंट इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट सी। देखिए सी पे इंटरसेक्शन हुआ है किसका, एक टैंजेंट का और एक सीकेंट का। तो आप बोलोगे हाँ, अगर एक सीकेंट और एक टैंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इन द एक्सटीरियर, तो आप बोलोगे हाँ अगर ऐसा होता है तो हमने एक थियरम पढ़ा है। कौन सा थियरम है, टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम। वेरी गुड वेरी गुड, तो उस थियरम के हिसाब से हमें पता है हमें हमेशा दो प्रोडक्ट्स इक्वल मिलते हैं, पता है ना। और वो प्रोडक्ट कैसे लिखना है, ध्यान से देखना। वो प्रोडक्ट लिखने के लिए हमेशा याद रखना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास जाना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, सी पे। तो सी से अगर हम देखें सीकेंट पे तो क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना सीकेंट का,
ए और बी, तो क्या लिखोगे, सी ए इंटू सी बी, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से स्टार्ट करना, तो सी ए इंटू सी बी, ये एक प्रोडक्ट होगा, और दूसरा प्रोडक्ट जो होगा वो टेंजेंट पे होगा, दैट इज सी से लेके पी तक, मतलब सी पी इंटू सी पी, विच गिव्स अस सी पी स्क्वेयर। इसलिए टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा सी ए इंटू सी बी इज इक्वल टू सी पी स्क्वेयर, बट हम वो डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, उससे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, जो हमें दिख रहा हो लिखना है, मतलब तो देखिए बहुत सिंपल है, क्या लिखना है, सीकेंट ए बी टेंजेंट सी पी एट पॉइंट पी इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, कहां पे, एट पॉइंट सी। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, मैंने जैसे कहा सी से लेना, तो सी पी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी ए इंटू सी बी, वेरी गुड, यही हमने डिस्कस किया था, ये लिखना है। रीजन क्या है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, और इसे हम मार्क करेंगे रिजल्ट नंबर वन। तो हम बोलोगे हमें सीपी के बारे में सोचना था, हमें सीपी स्क्वायर मिला, वेरी गुड। तो हम बोलोगे चलिए इसी तरीके से हम सीक्यू के बारे में सोचते हैं। अब जब सीक्यू को देखोगे, देखे 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 आप बोलोगे हाँ सीक्यू, तो बोलोगे सीक्यू टेंजेंट है बट दूसरे सर्कल के, तो अभी सिर्फ इस सर्कल को देखिए, आप बोलोगे हाँ इस सर्कल के लिए भी तो ये लाइन ए बी सीकेंट है, और ये सीकेंट और ये टेंजेंट एक दूसरे को मिल रहे हैं एट पॉइंट सी इन द एक्सटीरियर, तो यहां पे भी तो हम यही थियरम यूज कर सकते हैं, और अगर यही थियरम यूज कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू सी ए इंटू सी बी। तो समझ गए, तो रुकिए क्यों, लिखिए, तो पहले डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, क्या लिखोगे, हम लिखेंगे सीकेंट ए बी एंड टेंजेंट सी क्यू एट पॉइंट क्यू इंटरसेक्ट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एट पॉइंट सी। इसलिए हमें क्या मिला, हमें मिला सी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू सी ए इंटू सी बी, वेरी गुड। एंड इसका रीजन तो हमें पता है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, ये होगा रिजल्ट नंबर टू, सुपर्ब। अब हमें सीपी की जरूरत थी, हमें सीपी स्क्वायर मिला रिजल्ट नंबर टू, हमें सीक्यू की जरूरत थी, वो हमें मिला रिजल्ट नंबर टू में। तो अब देखिए रिजल्ट नंबर वन और रिजल्ट नंबर टू को ध्यान से, और मुझे बताइए कुछ दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ, अब बोलोगे हाँ दोनों का राइट हैंड साइड सी ए इंटू सी बी, सी ए इंटू सी बी है, दैट मीन्स हम बोल रहे हैं दोनों के राइट हैंड साइड सेम है। अगर दोनों के राइट हैंड साइड सेम है मतलब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे, इक्वेट कर सकते हैं, दैट मीन्स हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं दैट सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर। ये हमने लिखा कहां से, लिखा फ्रॉम वन एंड टू, वेरी गुड। मुझे बताइए हमें सीपी स्क्वायर इक्वल टू सीक्यू स्क्वायर मिला, बट आप बोलोगे हमें सीपी की जरूरत है, सीक्यू की जरूरत है, मतलब हमें स्क्वायर्स नहीं चाहिए, स्क्वायर्स को हटाना है, मतलब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो सीपी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, सीपी राइट हैंड साइड में सीक्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, सीक्यू उसका रीजन लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स, हमें मिल गया, हमें सीपी इक्वल टू सीक्यू मिला है। अगर सीपी और सीक्यू इक्वल है मतलब सी क्या हुआ, अब बोलोगे सी मिड पॉइंट है किसका, सेगमेंट पी क्यू का। अब जो हमने ये किया है, अब मुझे बताइए इसी तरीके से मुझे डी बताना है मिड पॉइंट ऑफ आर एस, अब बोलोगे सेम प्रोसीजर होगा ना यस, डी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू डी बी इंटू डी ए, सेम है, मतलब फिर से पूरे स्टेप्स को लिखना है क्या, नहीं सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट आर एस, और ये प्रूफ हो गया। मुझे बताइए, देख के तो आपको पहले लगा होगा दो दो सर्कल्स है, दो दो टेंजेंट है, कैसे करेंगे, डिफिकल्ट, बट मुझे बताइए कुछ डिफिकल्ट लगा, बट सोच जो है आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो उसके बारे में कैसे सोच रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और वही सोच को डेवलप करना है, और वही कॉन्फिडेंस आपको देगा खुद प्रूफ लिखने का। तो आपको कॉन्फिडेंस आया है, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, तो आपके जो खास फ्रेंड्स है, खास मित्र है, बेस्ट फ्रेंड्स है, उनको भी ईजी लगेगा, और वीडियो तो आपको पसंद आया ही होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग नॉन टेक्सुअल सबके साथ, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।